जिस दमखम से गृह मंत्री अमित शाह पूरे प्रचार के दौरान हिंदुत्व वाला मुद्दा उठा रहे हैं, मुस्लिम आरक्षण के जरिए कांग्रेस पर तुष्टीकरण का आरोप लगा रहे हैं, उस शोर की गूंज आम लोगों तक भी सुनाई दे रही है। शाम के रोड शो में किनारे खड़े आम जन भी बता रहे हैं कि कर्नाटक के लिए बीजेपी क्यों जरूरी है। ऐसे ही ये पूरा रोड शो आप देखिए, रथ तक दोनों ही तरफ, आगे भी वैसे ही समुद्र है लोगों का बाइक पर और पीछे भी है। क्या सोच के दादा जा रहे हैं रोड शो? वो हमारा मोदी आना करके सोच रहे थे। मोदी अभय पटेल साहब, अभय पटेल जब आप लोग उनसे जुड़े हुए, आप बताइए क्या सोच के रोड शो में आए? बीजेपी के लिए कार्यकर्ता है आप? हाँ, कार्यकर्ता। प्लीज सेल्फी लूंगी। बताइए, उधर देखिए कैमरा देख रहा है आपको, बताइए रोड शो में क्यों आए हैं? हम बीजेपी के लिए आए हैं। दक्षिण कर्नाटक के बेलगावी इलाके में मराठी लोगों की भी अच्छी खासी तादाद है, लिहाजा शाह के कारवां के साथ जय शिवाजी जय भवानी का भी नारा गूंज रहा है। तो बेलगावी की सड़कों से गुजरता हुआ ये रोड शो आप देख रहे हैं, गृह मंत्री अमित शाह का और लोगों का हुजूम, कार्यकर्ताओं का हुजूम यहाँ पर, जिसमें गोवा के मुख्यमंत्री प्रमोद सावंत भी यहाँ पर आए हुए हैं। दरअसल अगर बेलगाव को आप देखेंगे तो अच्छी खासी तादाद में यहाँ गोवा के लोग, महाराष्ट्र के लोग हैं और इसीलिए जय शिवाजी के नारे लगते हुए आप यहाँ पर देख रहे हैं, क्योंकि कहीं ना कहीं यहाँ पर लोगों के साथ ये देखिए जय 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 शिवाजी के नारे लग रहे हैं, क्योंकि महाराष्ट्र कर्नाटक के हिस्सों में शिवाजी के को लेकर, शिवाजी को लेकर बहुत सारी लोगों की भावनाएं हैं और इसीलिए गृह मंत्री के साथ आप देख रहे हैं रोड शो में। और एक और पोस्टर आपको दिखाना चाहते हैं, ये दिखाइए, बजरंगी मी पर बजरंगी, यानी मैं भी बजरंगी हूँ। बजरंग दल पर बीजेपी का आक्रमण कुछ इस अंदाज में पोस्टर्स के जरिए दिखाई दे रहा है, जिसमें एक तरफ ये रोड शो है, लोगों के हाथ में अगर बीजेपी का झंडा है तो मी पर बजरंगी, मतलब मैं भी बजरंगी हूँ, ये संदेश एक इस मंच से देने की कोशिश है, क्योंकि बीजेपी को पूरी उम्मीद है कि इसी से बाजी पलटेगी और हिंदुत्व के नाम पर जो वोट्स का कंसोलिडेशन होगा उससे एक बहुत बड़ा असर इस बार लोगों के मतदान में होगा। सड़कों के किनारे फूल लिए महिलाएं शाह के स्वागत को तैयार थी। भरोसा 23 मई को भी ऐसी तैयारी का है, विश्वास एक बार फिर बीजेपी की बारी का है। आप लोग यहाँ पे खड़े हैं रोड शो के लिए? किसको देख रहे हैं? अमित शाह को देख रहे हैं। क्या सोच रहे हैं? फूल वो लेके खड़ी हैं आप? फूल परसाना है, स्वागत करना है, हमें स्वागत करना है। क्यों? अभी पहली बार आए ना, अभी बीजेपी का इलेक्शन है ना, इसलिए जोर से हमें बीजेपी चाहिए। क्यों चाहिए? क्यों चाहिए? क्या मोदी जी अच्छे है ना, सब काम कर गया है। बीजेपी कार्यकर्ताओं की बाइक की कतार मोदी की जयकार के साथ बेलगावी से अमित शाह का काफिला यूं ही राजधानी बेंगलुरु की ओर आगे बढ़ा, वो शहर जो कर्नाटक की सियासत का केंद्र बिंदु है और जिस पर विजय अभियान के लिए बीजेपी ने पूरा दम लगा दिया है। और बेंगलुरु में फिर बीजेपी का झंडा गाड़ना पार्टी के लिए उस विजयी उड़ान की तरह होगा, जिसका असर न सिर्फ कर्नाटक के विधानसभा चुनाव के नतीजों में नजर आएगा बल्कि 2024 के लोकसभा चुनाव में इस विजय का संदेश साफ जाएगा। इसी सियासी संदेश का सपना साकार करने के लिए गृह मंत्री अमित शाह बेंगलुरु ग्रामीण के दोडबल्लापुर पहुँचे। मंत्री यहाँ पर एक रोड शो करने वाले हैं, लोगों को संबोधित करने वाले हैं, तो ये ग्रामीण बेंगलुरु की एक ऐसी सीट है जहाँ पर कांग्रेस, भारतीय जनता पार्टी और जेडीएस तीनों के लिए संघर्षपूर्ण स्थिति रही है। कार्यकर्ताओं से और पदाधिकारियों से मिलते हुए गृहमंत्री, उनका स्वागत यहाँ पर हो रहा है, यहीं पर अब अगला उनका रोड शो होना है और लोगों को वो संबोधित करेंगे। उनका स्वागत करते हुए यहाँ पर पार्टी के पदाधिकारी, कार्यकर्ताओं का जोश, जज्बा और जुनून हाई दिखा, हर कोई अमित शाह के स्वागत के लिए आतुर दिखा। इस इलाके में राष्ट्रीय के साथ ही स्थानीय मुद्दों का भी जोर है,
बीजेपी के विजयी अभियान के लिए ये क्षेत्र बेहद अहम है, क्योंकि जो कोई भी इस इलाके में बढ़त हासिल करेगा वो कर्नाटक का किंग बनने के रास्ते पर तेजी से आगे बढ़ेगा। ग्रामीण बेंगलुरु की एक ऐसी सीट है ये, जिस पर लगातार पिछली दो बार से कांग्रेस जीत हासिल करती रही है 13 और 18 में, और इसीलिए इस बार कांटे की टक्कर बड़ी लड़ाई बताई जा रही है। टोडा बल्लापुरा जिस सीट पर हम पहुंचे हैं ये ग्रामीण बेंगलुरु का हिस्सा है और इस बार कांटे की टक्कर इसे बताया जा रहा है। यही वजह है कि शाह के रोड शो में पहुंचा हर कार्यकर्ता जीत का दम भर रहा है, कर्नाटक में एक बार फिर बीजेपी सरकार लाने की बात कर रहा है। कार्यकर्ताओं को विश्वास है कि बीजेपी का जोरदार प्रचार 10 मई को मतदान में असर दिखाएगा, फिर से दक्षिण के सूबे में बीजेपी का परचम फहराएगा। गृहमंत्री अमित शाह का रोड देखने के लिए डोडा बल्लापुरा में ये तमाम महिलाएं पहुंची हुई है, किसका रोड शो देख रहे हैं, क्या सोच के यहाँ पर आए, क्या मन में? वो अमित जी आया है, हम बहुत खुश है इसके लिए, हम सुबह से वेट कर रहा है, एक बार देखने का है और हम देख लिया, बहुत बहुत खुश हुआ उसको देखकर। देखने के लिए नहीं, वो यहाँ पर आए तो हमारा भी एक पहचान होगा ना, डोडबल्लापुर का पहचान होगा, डोडबल्लापुरा का पहचान होगा। हाँ, चुनाव पे क्या सोचते हैं? बीजेपी आना, क्यों? मोदी जी के बाद यहाँ तो सीएम का चुनाव होगा ना, सीएम असेंबली कुछ भी हो, अच्छा रहेगा तो चाहे वो ग्राम पंचायत जो भी हो, नीचे से ऊपर तक मोदी जी का बीजेपी ही रहना। आप सोच लीजिए आगे 13 तारीख पूरा बीजेपी का ही गवर्नमेंट इधर चालू रहेगा। ये आपको आज किसी ने दिया? नहीं, हम खुद लिया पैसा, देखे ये ब्रांड, ये हमारा खुद का पैसा के लिए लिया, खुद का मेहनत का पैसा में लिया है, कोई नहीं दिया है। मुंडरा जिंदा और बीजेपी कैंडिडेट आना, हमारा बहुत फेट पर का खाना मिलेगा। चुनाव को लेकर क्या सोचते हैं? बीजेपी आना चाहिए क्योंकि मोदी जी बहुत अच्छे हैं और यहाँ भी लोगों ने बहुत अच्छा काम किया। हमें अमित शाह देखने आया है, बीजेपी के बाद में बात करना, बीजेपी आना हमको, अच्छा काम करता मोदी जी, उनका बाद में क्या की दूसरा आदमी क्या भी आता नहीं, फोन भी आता नहीं, मोदी जी आना। अभी किसको देखा? बीजेपी अमित शाह जी, अमित शाह को देखा। अमित शाह क्या उनको देखने क्यों आए? अच्छा है नरेंद्र मोदी महोदय, बीजेपी अच्छा है, अच्छा है। और यही विश्वास, यही भरोसा गृह मंत्री अमित शाह के बयानों में भी झलक रहा है। अमित शाह फिर से जीत की बात कर रहे हैं, कांग्रेस के हर चुनावी हमलों का जवाब दे रहे हैं।